हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हो सकता है तुम तो मर चुके हो। हाँ, और तुम भी मर जाओगी अगर तुमने जो कर रही हो वो सब बंद नहीं किया। क्या? मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने आई हूँ। चेतावनी? अरे ड्रम यहाँ क्यों रखा है एंट्री में? पता नहीं सर, वो सुबह होटल खोला तब से ड्रम यही पड़ा हुआ है सर। अरे तो बेवकूफ इसे पीछे रखना चाहिए ना। और है क्या इस ड्रम में? पता नहीं सर, वो नीना मैम को ही पता होगा सर, उन्हीं का वेट कर रहे सर हम, इसीलिए अब तक ये हटाया नहीं सर यहाँ से। अरे तो आपकी ये नीना मैम है कहाँ? रोज तो टाइम पे आ जाती। सर सॉरी थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके, चलता है। ये ड्रम यहाँ कहाँ से आया? सबके सब गधे, किसी को कुछ नहीं पता। बट आई होप नीना की तुमको जरूर पता होगा कि ये ड्रम यहाँ कैसे। नहीं सर, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। क्या है इसमें? मुझे नहीं पता मैम। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चेक करो इसमें क्या है। जी मैम। Thank you.
धीरज जी, आप इस होटल के मालिक हैं? जी सर। इस लड़की को जानते हैं आप? हाँ सर, वो सुरुचि थी, हमारे रेस्टोरेंट में वेटरेस थी। अच्छा, वैसे आप? ये मीना है सर, हमारे रेस्टोरेंट में मैनेजर है। अच्छा अच्छा, मैनेजर है आपके रेस्टोरेंट की, मीना। मीना जी, आखिरी बार कब देखा था सुरुचि को तुमने? सर दरअसल नीना है। आप जरा चुप रहेंगे, इन्हें बोलने दीजिए। सर कल रात जब मैंने उसे घर पर ड्रॉप किया था ड्यूटी के बाद, सर एक्चुअली हर रोज मैं ही उसे ड्रॉप करती हूँ। बस एक मिनट, बस जहर। जहर? इस लड़की को जहर दिया गया था? हाँ बस। सो ये देखिए इसकी नाक। हाँ यार, इस लड़की की नाक तो बुरी तरह से झुलस गई है। हाँ बस, जहर बहुत तेज था, उसने इसकी नाक को भी झुलसा दिया। मतलब इस लड़की को इस ड्रम में डाल कर मारा गया, जहर से भरा ड्रम? नहीं सर, इसकी मौत इस ड्रम में नहीं हुई होगी। तो फिर? क्योंकि सर हमें इस ड्रम में कोई भी जहरीली चीज या कोई भी ऐसा जहरीला गैस होने का सबूत नहीं मिला है। तो फिर इस लड़की की मौत हुई कैसे? कैसे पहले मारा और फिर ड्रम में डाली? ये सुरुचि रहती कहाँ है? बिल्कुल सही देख रहे हो, बहुत बुरी तरह से जल गया है घर। एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या बता सकते हैं ये घर कब जला है? ये कल रात को ही जला है सर, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि जिस वक्त यहाँ आग लगी थी उस टाइम सुरुचि घर पे नहीं थी। अच्छा, ये सुरुचि यहाँ पे अकेले रहती थी क्या? जी सर, वो अकेले रहती थी और कुछ ही महीनों पहले यहाँ आई थी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। ये सुरुचि है कौन? जिस रात उसका खून होता है उस रात उसका घर जला देते हैं। आद्या? हाँ विजय, इस सुरुचि के बारे में एक बात पता चली है, वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी। अंडरकवर पुलिस ऑफिसर? हाँ, हमने जब उसके फिंगरप्रिंट को अपने डेटाबेस से मिलाने की कोशिश की तो हमें उसके सीनियर ऑफिसर का फोन आया। उसने बताया कि सुरुचि किसी पुराने केस को सुलझाने में लगी थी। वो एक अंडरकवर एजेंट है और ये 2 साल पुराना केस है। क्या नंबर क्या था केस का? केस का नंबर 2012/86/T15। T15। ओके ओके दया, थैंक यू। सर ये सुरुचि तो एक अंडरकवर कॉप थी सर, किसी केस में काम कर रही थी इसी वजह से मार दिया उसको, और सबूत हाथ में ना है इसलिए घर में आग लगा दी। माय गॉड, पर किस केस पर काम कर रही थी ये सुरुचि? सौ 200 साल से यहां पे झाड़ू पोछा ही नहीं लगा है। देखिए मैं एसीबी प्रद्युमन, एक केस की फाइल चाहिए। केस 2012 की है, केस नंबर है 86/D15। क्या सुरुचि ऑफिसर मर गई? जी हाँ, वो उनकी मौत हो गई। मैंने कहा था उसे, वो फाइल पीछे के रैक पे, इसके पीछे। थैंक यू। ये है। रुक जाइए। क्यों? छूने से पहले एक दफा सोच लीजिए।
अरे ये एक शापित केस है, अंजलि केस। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने बुलवा कर फिर से इस ड्यूटी पे मुझे लगा दिया, क्योंकि कोई भी और इस मनूस फाइल के पास भी नहीं आना चाहता। क्यों? आज तक जिस किसी ने इस फाइल को छुआ, या तो वो मार दिया गया, या पागल हो गया, या फिर गायब हो गया। वैसे सुरुचि को मैंने मना किया था, लेकिन वो मानी नहीं, उसने इस फाइल को देख लिया बिचारी। देखिए, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, हम ये सब नहीं मानते। अरे सर, छुट्टी की बात। ২০১২ में स्वीट मेमोरी रेस्टोरेंट में आग। स्वीट मेमोरी रेस्टोरेंट तो वही है जहां पे सुरुचि काम करती थी। 2012 में इसमें आग लगी थी, होटल जल के खाक हो गया और अंजलि नाम की वेट्रेस उस आग में जल के मर गई सर। इसी अंजलि की आत्मा दिखती है। बस चुप रहिए अभी, ये आत्मा आत्मा सब बकवास है, समझा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफिसर सुरुचि ने अपनी जान दी है इस केस को सुलझाने में। श्रेया, एक काम करो, सुरुचि के फोन लोकेशन से डिटेल्स निकालो, पिछले एक हफ्ते के जीपीएस रिकॉर्ड से। सर, सिर्फ पिछले एक हफ्ते के? हाँ, वो जरूर उस खूनी के पास तक पहुंच गई होगी, इसलिए वो मारी गई, और ये सब हाल फिलहाल में ही हुआ होगा। सर, पिछले एक हफ्ते की लोकेशंस। ये जो जगह है जहाँ पे वो हर रोज जाती थी, ये वो रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे वो काम करती थी। हाँ सर। ये दूसरा लोकेशन कौन सा है? सर, यहाँ भी ये रोज जाती थी, मंगलवार तक, जिस दिन इसका खून हुआ। पर ये जगह है कौन सी? पिक्चर हॉल। सर, ये तो बहुत हैरानी की बात है, हफ्ते में चार बार वो पिक्चर हॉल क्यों गई होगी? और इस जगह पे सिर्फ एक घंटे ही रुकती थी। आखिर वो पुष्पक थिएटर में बार बार करने क्या जाती थी? सब लोग चारों तरफ फैल जाओ, हाँ? फोटो दिखाओ, देखो किसी ने उसे देखा है क्या। नमस्ते। नमस्कार। लगता है आप यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं। क्या चाहते हो मुझसे भाई साहब? काफी दुनिया देखी है आपने, तुरंत समझ गए मैं किसी काम से आया हूँ। इस लड़की का फोटो देखिए, क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है? यहाँ आती है वो कभी? ये तो मर चुकी है। जी हाँ। इसका मतलब आप सीआईडी से हैं? बिल्कुल। पिछले हफ्ते ऋत्विक से मिलने ये चार बार यहाँ आके गई है। ऋत्विक से? ये ऋत्विक कौन है? काउंटर नंबर 3 पे टिकट बेचता है, वो जब भी यहाँ आती थी, हाँ? उसी के काउंटर पे जाकर उससे बात करती थी। वैसे आपका नाम? बहादुर। बहादुर, थैंक यू वेरी मच बहादुर साहब। इतने सालों में आप पहले है जिसने मेरा नाम पूछा, वरना यहाँ फर्नीचर की तरह कोने में पड़ा रहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारा, थैंक यू। हमें काउंटर नंबर 3 पर ऋत्विक से मिलना है। ऋत्विक, चलो देखते हैं। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज, हम लोग सीआईडी से हैं, अब कुछ बात करनी है। ऋत्विक, क्या तुमने इस लड़की को देखा है, जानते हो इसे? जल्दी बताओ, हम लोग सीआईडी से हैं, बताओ जल्दी। सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस 5 मिनट में सर मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, फिर मैं बाहर आके आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है,
हम लोग यहीं पर इंतजार करते हैं। हाँ सर। बहादुर साहब, ये ऋत्विक कितने सालों से यहां पर काम कर रहा है? 2 साल हो गए। क्या हुआ भाई साहब? क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? इसे क्या हुआ? ओ, हेलो, क्या हो रहा, क्या हो रहा आपको? क्या हो गया इसे? संभालिए अपने आपको। अरे, अरे संभालो। क्या हुआ, क्या यहाँ? पता नहीं सर क्या हुआ। सर ये तो मर गया। मर गया? ऐसे अचानक कैसे मर गया? क्या हुआ सर? सर ऋत्विक, बस इस ऋत्विक की नाक भी वैसी झुलसी है जैसी कि सुरुचि की। तो क्या एक ही तरह का जहर 3-3 लोगों को एक ही खूनी ने दिया? लगता तो ऐसा ही है बस। लेकिन सर इस आदमी की नाक उतनी नहीं जली है जितनी कि उस सुरुचि और इस ऋत्विक की जली है। बस ये नाक ज्यादा इसलिए नहीं जली है क्योंकि इसे कम मात्रा में जहर दिया गया है। चल सर उनके चेक कर लिया। बस ये देखो, जिस तरीके से जहर के छींटे इस तरफ आए हैं, इसका मतलब लगता है कि खूनी ने जहर बाहर से स्प्रे किया है अंदर। पर जिसने भी ये जहर का स्प्रे मारा ऋत्विक पर, उस खूनी के पीछे जो आदमी खड़ा था, वो अनजान आदमी, वो जब आगे आया टिकट लेने के लिए, उस वक्त यहाँ इतनी जगह में जहर का अंश तो होगा ही। हो सकता है वो जहर उसके फेफड़ों में चला गया, जहर ने अपना काम कर लिया और वो बेचारा मर गया। एक काम करो, यहां का सीसीटीवी फुटेज निकालो, जाओ जल्दी। अच्छा बस एक बात बताओ, ऋत्विक को रूम से बाहर लेकर के कौन आया था? फ्रेडी और सचिन। बस जहर का असर उन पर भी हुआ होगा क्योंकि उस वक्त कमरे में जहर होगा हवा में जरूर। माय गॉड, सचिन, फ्रेडी, सचिन, माय गॉड, ये क्या हुआ? सचिन क्या हुआ? सचिन घबरा मत, कुछ नहीं होगा। वंश, दोनों को हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी संभाल के। सर, सर ये फुटेज देखिए। सर इसने अपना चेहरा दुपट्टे से कवर कर रखा है, पता कैसे चलेगा कि ये है कौन? उसने दी हुई 500 रुपए की नोट और उस नोट पर उसकी उंगलियों के निशान। देख ऊपर ये जो नोट है ना, उसके नीचे जो नोट होगी वो नोट मुजरिम ने दी है। बस ये देखो, ये इस पर ये कुछ कुछ लिक्विड जैसा कुछ लगा हुआ है। अरे बॉस, ये तो उस जहर का एंटीडोट है जो मैंने सचिन को और फ्रेडी को दिया था, वैसा ही है। अच्छा, मुझे लगता है खूनी ने एंटीडोट खुद लिया होगा, इसीलिए नोट पे भी हाल है। ओ। ये देखो बॉस, ये अंगूठे का निशान खूनी का। फैंटास्टिक सारंखे, अंगूठे के निशान से पता चल जाएगा ये औरत है कौन। सर, वो फिंगरप्रिंट जो हमें नोट पर मिला था, हाँ उसी औरत के फिंगरप्रिंट से जो ऋत्विक के चेहरे पे वो जहरीला स्प्रे मार के भागी थी। सर वो औरत के कपड़ों में आदमी था।
ओह, लेकिन वो है कौन? सर नितिन, नितिन चप्पू। ये तो वही पेशेवर हत्यारा है जो पैसे लेकर लोगों का खून करता है। ये लड़की के कपड़ों में क्यों आया था? सर, मेरा ऋत्विक इतना अच्छा था, इतना सीधा था, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी उसने। क्या आपको ऐसे कभी लगा कि ऋत्विक की जान को खतरा है? अरे कोई क्यों मारना चाहेगा मेरे बच्चे को? किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं थी। उसे जो भी मिलता था उसमें खुश रखा करता था वो। ये पंकज, घर का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो। इस ऋत्विक ने बहुत कुछ छुपा के रखा है यहाँ पर। देखिए बहन जी, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। ये फोटो देखिए आप जरा। ये तो उसकी सगाई की सिंपल सी फोटो है। सगाई की सिंपल सी फोटो में आपका बेटा जो अपने मंगेतर को अंगूठी पहना रहा है ना, ये कोई सिंपल सी अंगूठी नहीं है, हीरे की अंगूठी है। ये रियल डायमंड, 4 लाख की अंगूठी होगी कम से कम। आप ही बताइए कि 10,000 रुपए महीना कमाने वाला आपका बेटा इतनी महंगी अंगूठी कैसे खरीद सकता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, सर ये कर रहा है? क्या कर रहे हो? ये छुपा के रखा था सर। बस सर, ये इसमें आटे के डब्बे में सर, ये आटा। आटे के डब्बे में डायरी क्यों रखी है? मैटनी केपी 13 एम कुमार 50,000 पॉजिटिव फर्स्ट शो। अभिजीत, ये जरूर कोई ना कोई कोड वर्ड है, पर क्या क्या हो सकता है? ये वाला है नितिन चंपू का पुराना। लगता घर में कोई नहीं है। नितिन तो बाहर गया है साहब। वापस कब तक आएगा? काहे, कहाँ हुआ साहब? हम लोग सियाड़ी से हैं। इस नितिन को ढूंढ रहे हैं। आप परेशान काहे हो रहे हैं साहब? वो बस अभी आ जाएगा। तब तक आप लोग ऐसा करिए, ये हमारी दुकान में आराम से बैठ के उसका इंतजार करिए। तब तक हम आपके चाय पानी का इंतजाम करते हैं। अरे नहीं नहीं, चाय पानी जी। अरे बैठिए तो सही। अरे सुनती हो? अरे 4-5 चाय बनाओ। हाँ चंपू, पॉजिटिव फर्स्ट शो LPHT 75,000। सर ये कोड मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। पंकज जी, ये ऋत्विक सिनेमा हॉल में काम करता था तो जरूर ये सब कुछ फिल्म से कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो है मैटिनी। ये जो लिखा हुआ है KP LPHT ये शायद फिल्मों के नाम होंगे। सर खूनी परिंदे, सर क्या फिल्म है सर, मैंने दो दो बार देखी है। सर ये LPHT लव प्यार हम तुम होगी। अगर ये KP LPHT ये फिल्मों के नाम है, ये तो लोगों के नाम लगते ही है। कुमार, प्रकाश, शिवानी, समीर, और फिर ये 50,000 75,000 50,000, लगता है ये पैसों की रकम है। हो सकता है, ये तो ये किसी लेन देन के डिटेल्स लगते हैं सर।
बड़े अजीब डिटेल्स हैं। इसका ऋत्विक से क्या लेना देना? अभिजीत काम करते हैं, जिस सिनेमा हॉल में ये काम करता था ना ऋत्विक, वहां के टिकट काउंटर्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खातिरदारी के लिए। ऐसा लगता है कि नितिन जल्दी वापस आने वाला नहीं है। हो सकता है उसे खबर लग गई हो कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं और वो कहीं भाग गया हो। तो हम लोग चलते हैं, अगर आ जाए तो हमें खबर कर देना, ठीक है? हाँ सर। थैंक यू सर। बाल बाल बचा लिया तूने आज। यार चंपू, तू कुछ दिनों के लिए गांव चला जा। मैं तो कहता हूँ अभी निकल चलो, इसी में भलाई है। सही कहते हो यार। हाँ, मैं अभी के अभी निकल। चलो जितिन, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके, और तुमको तो हम स्पेशल थैंक्स देना भूल ही गए, इतनी सेवा जो की है तुमने हमारी। हैं? थोड़ा कोई करीब मत आना। देखो मैं बता रहा हूँ, ये भाई जहर है, एक सेकंड में सबको सुला दूंगा। कोई बेवकूफी मत करना प्लीज, तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। सर मुझे पकड़ने के लिए तुम इतने लोगों को नहीं मरवा सकते। देखो मुझे जाने दो, सोचो मत, मुझे जाने दो। आखिरी बार कह रहा हूँ, ये स्प्रे नीचे रखो, फेंक दो बोतल। मैं फेंक दूंगा, मुझे जाने दो, मैं फेंक दूंगा। निकल। ऋत्विक का खून तुमने किया लड़की बन के, और सुरुचि को भी तुमने ही मारा है इसी स्प्रे से, क्यों? किसके कहने पे किया तुमने ऐसा और क्यों? सर मुझे नहीं पता, मुझसे एक काम कौन करवाता है मुझे नहीं पता। मुझे पैसे मिलते हैं, रुपयों के साथ ऑर्डर मिलता है, कब किसे कहां मारना, और मैं बस मार देता। तुम्हारे लिए ऑर्डर्स हमारे पास भी है, ले चलो इसे ब्यूरो और इस स्त्री वाली को भी। हाँ जी, क्या कोर्ट क्रैक हो गया? That's great. समीर, यही नाम है ना आपका? जी सर, बट सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत किया या सही से पता चल जाएगा, पहले आप कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी पूछिए। फिल्म देखना पसंद है आपको? जी सर। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आपने मिस्टर अनिल? याद नहीं मुझे। याद नहीं है, ठीक है हम याद दिला देते हैं। दरिंदे, सही है ना? जी। लेकिन तुमने तो सिर्फ एक ही टिकट खरीदी है? क्यों? वो क्या है ना, मुझे अकेली मूवीज देखना बहुत पसंद है। अच्छी बात है, तो आप अकेले फिल्म देखना पसंद करते हैं, और आपने सिर्फ एक ही टिकट खरीदी थी। कहाँ बैठे थे आप? हैं? सोने की सीट पे बैठे थे, आपकी सीट पे सोना मढ़ा हुआ था। सर ये सब आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं? 50,000 रुपए खर्चा किए थे आपने सिर्फ एक टिकट के लिए। निकल। नहीं सर। ऐसी कौन सी पिक्चर की टिकट होती है जो इतनी महंगी है? हा? आप जरा बताएंगे हमें? ऋत्विक को इतने सारे पैसे क्यों दिए तुमने? ये शराफत का ढोंग बंद करो मिस्टर अनिल। मैं आपको सब बताता हूं सर, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने मेरी कंपनी में चोरी करने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्होंने मेरी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। वो ब्लैकमेलर ने कहा था मुझे ऋत्विक को रुपए देने के लिए,
तुम्हें पता था कौन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं। और ये बात तुमने कहां पे की थी, किस जगह पे? स्वीट मेमोरी रेस्टोरेंट। ये तो वही जगह जहां पे सुरुचि काम करती थी और 3 साल पहले अंजलि की मौत हुई थी, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। थैंक यू। 1 peach iced tea, 2 ice cubes। यस मैम। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कभी मिलना मत। मैडम, मिलने का शौक तो अपन को भी नहीं है। अपन अपना पैसा लेने आया क्या? धीरे बोलो, कोई सुन नहीं का? सुनता है तो सुनने दो मैडम, अपन को क्या? जब तुमको तुम्हारे हस्बैंड को टपकाने का था, लाश ठिकाने लगाने का था, तो कैसे अपन को फटाफट 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 फोन करता था? अभी अपन का फोन भी नहीं उठा देता। देखो मैडम, जास्ती शाणा बनने का आपको बता देगा अपन। कितना बोलते हो तुम? पता है ना, यहाँ दीवारों के भी कान होते। चुप हो जाओ। चुप भी हो जाएगा मैडम, पहले अपन का पैसा रोकड़ा ढीला करने का। देखो अभी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। हे मैडम, ज्यादा शाणी नहीं बनने का। तुम क्या हल्के में लेता है क्या? अभी एक फोन लगाएगा मामू को, सब ठीक हो जाएगा, समझे? नहीं नहीं नहीं, ये तुम ये अंगूठी रखो। देखो हीरा कितना बड़ा है, इसके लाखों मिलेंगे। ये हुई ना बात मैडम, किसी को टपकाने का, अपन को बुलाने का। हेलो, आंचल स्पीकिंग। हेलो आंचल मैडम, हमारे पास तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग है, लो सुनो उस रिकॉर्डिंग को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तुमको तुम्हारे हस्बैंड को टपकाने का था, उसको ठिकाने लगाने का था, तब तो तुम फटाफट अपन को फोन करता। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अगर तुम चाहती हो कि हम लोग चुप रहे और तुमको ये रिकॉर्डिंग वापस कर दें, तो इसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने होंगे, वरना ये रिकॉर्डिंग CID तक पहुंच जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज, देखो ऐसा मत करना प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, वो रिकॉर्डिंग प्लीज मेरे हवाले कर दो। हाँ जरूर, ये मैं तुम्हें बाद में फोन करके बताऊंगा कि पैसे कब, कितने और कहाँ लाने हैं। हेलो, श्रेया होशियार रहना, वो जहरीला स्प्रे वो तुम पर भी फेंक सकता है। डॉक्टर सालुंके ने ये एंटीडोट दिया, जाने से पहले अपने चेहरे पे स्प्रे कर लेना। गुड लक, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। देखो मुझे वो टेप और वो सबूत वापस दे दो। मैं पूरे पैसे लेकर आई हूं, जितने तुमने बोले थे सारे के सारे लेकर आई हूं। प्लीज सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? प्लीज सामने आ जाओ। अंजलि, तुम तो मर चुकी थी ना? हाँ, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो इस शापित केस से दूर हो जाओ। तुम आत्मा हो? हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कौन हो। CID ऑफिसर श्रेया, अपनी एक्टिंग बंद करो। तुम भी अपनी एक्टिंग बंद करो। मैं जानती हूं तुम कोई आत्मा वात्मा नहीं हो और ये केस शापित नहीं है। ये केस तो शापित है, आज किसी ना किसी की जान तो जरूर जाएगी।
बकवास कर रही हो तुम। तुम्हें तो पता ही होगा जो भी इस केस को हाथ लगाता है वो मारा जाता है। तुम्हारा मतलब है मैं कोशिश कर लूं, पर मैं तुमसे एक वादा करती हूं, तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगी। थोड़ा मुश्किल है, ये देखो। तुम्हारी टीम तुम्हारा पीछा कर रही है ना, उस गाड़ी के नीचे देखो। बम अजान तो जानी ही है, या तो तुम्हारी या तुम्हारे उन ऑफिसर्स की। मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अब कोई बेवकूफी मत करना। वो बक्सा देख रही हो? अगर अपने ऑफिसर्स की जान बचाकर तुम अपनी बलि देना चाहती हो तो जाकर उस बक्से को खोलो, वरना तुम्हारी पूरी टीम बूम। हेलो श्रेया। सर, सर गाड़ी रोक दीजिए, गाड़ी रोक दीजिए सर। क्या? हाँ सर, सर गाड़ी में बम है, गाड़ी में बम है सर, गाड़ी। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी के नीचे बम है। नीचे नीचे देखो। है सर इधर है। कितने बहादुर हो तुम यार, अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान धाव पर लगा दी। एक मिनट सर, संभल के दया। टाइमर पे नहीं है सर, लगता है रिमोट पे है। रिमोट का बटन दबाया और ये काम करते हैं, ये डायनामाइट निकाल देते हैं, इससे शायद डिफ्यूज हो जाए। नहीं सर, नहीं, डायनामाइट बॉक्स अलग करेंगे तो बम फट जाएगा। सर उसे फेंक दीजिए। माय गॉड दया, बम फेंक दो जल्दी, ये रिमोट पर है। दया बम फेंक दो। हेलो हेलो श्रेया, अच्छा तुम ठीक तो हो ना? ये बॉम्ब के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? I'm sorry, sir. I'm sorry. श्रेया, 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 लगता है श्रेया को जहर दे दिया उन लोगों ने। Let's go. Yeah! Ah! 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 Ah!
अभिजीत जयवंती श्रेया 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 तुम ठीक हो श्रेया श्रेया ठीक है सर अंजलि अंजलि हमारे कब्जे में श्रेया और बेटे को भी पकड़ लिया हमने सर हाँ क्या ग्रुप में एक और लड़की है एक और लड़की है ढूंढो उसे जल्दी तुम होटल की मैनेजर नसीब की नहीं ये मीना है सर हमारे रेस्टोरेंट में मैनेजर है मुझे अंजलि को मारना पड़ा मजबूरन बार बार मुझसे पैसे मांगने लग गई थी वो फिर मैंने वेटर अरुण के साथ मिलकर उसे पहले मारा और फिर रेस्टोरेंट में आग लगवा दी ताकि हम पर कोई शक ना कर पाए उसके बाद जब रेस्टोरेंट में वापस काम शुरू हो गया तो हमने फिर से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी अरे अमृता अंजलि का भूत ये कहां से आ गई तुम लोगों के साथ इसकी शक्ल इसकी बहन से बहुत मिलती जुलती थी इसलिए मैंने इसे अंजलि की आत्मा बना दिया तुमने सोचा कि आत्मा वात्मा का डर दिखा के लोगों को डरा दोगी और तुम्हारा ये ब्लैकमेलिंग का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा क्यों हाँ पहले हम लोगों की बातें रिकॉर्ड करते थे फिर उन्हें ब्लैकमेल करके ऋत्विक के पास सिनेमा हॉल में रुपये देने को कहते थे लेकिन अंडरकवर कॉप सुरुचि ऋत्विक तक पहुंच गई और तुमने उन दोनों को मार दिया पैसों की लालच में तुम लोगों ने दो दो खून किए तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी शायद फांसी फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.